नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कपिल सानिल, ईवीएस की जीएस जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो है ये स्पेशल क्लास में, इसमें हम बात करेंगे जो कि काफ़ी बच्चों द्वारा डिमांड की जा रही थी। इसमें हम DSSB का जो जनरल पेपर होता है उसमें GS की तैयारी कैसे करें और फुल मार्क्स कैसे लेके आएँ, इस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि DSSB ने अपने सिलेबस को इतना वास्ट बनाया है कि टॉपिक वाइज सिलेबस तो दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक पैटर्न को समझना जरूरी है। और जब हम 5-6 को लगभग हमने 9, 7 या 8 पेपर शायद हमने कर लिए हैं DSSB के प्रीवियस ईयर, और हम एक पैटर्न समझ चुके हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि कैसे जो है DSSB का जनरल जो पेपर है उसकी GS को कैसे तैयार कर पाए, और वो GS का जो पेपर है वो पैटर्न सभी में सेम है, PRT के लिए भी, TGT के लिए भी, PGT के लिए भी, NTT के या अदर किसी भी एग्जाम के लिए 20 मार्क्स जो है कैसे सिक्योर कर पाएं, ये हम देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि DSSB का जो एग्जाम होता है, PRT का खास तौर से देखें तो उसमें 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें 20 मार्क्स का GS आता है। मतलब 10% से हिस्सा जो हो वो GS का होता है, जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, ठीक है, जनरल पेपर के अंदर। तो ये 20 मार्क्स जो हैं कैसे अचीव करें, क्योंकि GS अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत कम लगता है। अगर आपने GS पढ़ी है तो आप झट से जो है 10 मिनट के अंदर जो है उसको करके निकल सकते हैं 20 क्वेश्चन को इजीली। अगर आपको आता है तो 7-8 मिनट में भी कर सकते हैं। तो ये इतना छोटा सा पोर्शन है, टाइम सेविंग है और आपको जो है फुल मार्क्स भी दिला सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये इतना वास्ट है तो क्या इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए, इट इज़ ए मस्ट, ठीक है। इसको जरूर पढ़ें ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले और आप मेरिट में आए, ठीक है। आप बस क्वालिफाइंग तक फोकस नहीं कर सकते हैं, आपको मेरिट में आना है। तो ये ऐसा ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप हमेशा अचीव कर सकते हैं, इतना फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता अगर आप उस फ्रेम के अंदर बैठ के, उस फ्रेम के अंदर रह के पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं इसका सिलेबस, जो कि थोड़ा बहुत दिया भी गया है, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। कोई बुक फुल फ्लैश तो होगी नहीं कि वो बिल्कुल उसी से आ जाएगा, लेकिन और स्ट्रेटजी कैसे अपनाए, विजन क्या होना चाहिए, इसको करते टाइम हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक फ्रेमवर्क है जो PRT और नर्सरी टीचर के लिए जो है बनाया गया है, जो 2021 का लेटेस्ट पैटर्न है। उसमें देखिए, पहला जो पार्ट होता है DSSB का, एक पेपर जो होता है PRT का या नर्सरी का, वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, एक ही बार हो जाता है। तो उसमें पहला जो पार्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पेपर इकट्ठा ही होता है। तो ये जो पहला पार्ट है ये जनरल पेपर का होता है और ये PRT, TGT, PGT सभी के अंदर कॉमन होता है। तो इसमें आप देखिए, ये जो सेक्शन दिया गया है जनरल अवेयरनेस का, 20 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता ही है, और बाकी 20 20 मार्क्स के आपको और सेक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 मार्क्स, और उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट कंसर्न जो है 100 मार्क्स हो गया। तो ये TGT और PGT, PRT के लिए और NTT के लिए कॉमन है। बस PGT में ये वाला जो पार्ट होता है वो 100 की जगह 200 का हो जाता है, बस इतना फर्क होता है। बाकी लेकिन ये पार्ट सभी में सेम रहता है, और GS का जो स्टैंडर्ड है वो भी सभी में सेम ही रहता है। इसलिए ये वीडियो जो है वो सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो हम देखना चाहते हैं कि इसका जो सिलेबस है, जो क्या करें, कैसे करें जो हम इसको अचीव कर पाए, क्योंकि 20 मार्क्स जो है ये अचीव करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। और आप इसमें से अगर 15+ मार्क्स ले लेते हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये आपके लिए एक बोनस हो जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए, और अगर 20 मार्क्स के नियर पहुंच जाते हैं तो फिर इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। तो जनरल अवेयरनेस जो DSSB कहता है, वो कहता है कि भी करंट अवेयरनेस से, करंट इवेंट से हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे। एवरी डे मैटर ऑब्जर्वेशन, जो एवरी डे मैटर जो घटनाएं हो रही हैं उससे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद हिस्ट्री से भी पूछेंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स से भी पूछेंगे, पॉलिटिक्स के अलावा अलग से लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछेंगे, ठीक है। उसके साथ इन्होंने कह दिया कि स्पोर्ट्स से भी पूछेंगे और आर्ट एंड कल्चर से भी पूछेंगे, फिर ज्योग्राफी से भी पूछेंगे और इकोनॉमिक्स से भी पूछेंगे, और एवरीडे की साइंस से भी पूछेंगे, साइंटिफिक जो रिसर्च हो रही है उससे भी पूछेंगे, और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, ये टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लगेगा कि केवल 20 मार्क्स है और उसमें हिस्ट्री भी पढ़नी, पॉलिटिक्स पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना, ज्योग्राफी भी पढ़ना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना, लेकिन ये इतना बड़ा सिलेबस आपको दिखता भले ही है, लेकिन ये अचीव किया जा सकता है और इसको पढ़ के आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं।
इस सेक्शन को अगर आप छोड़ देते हैं ऐसे ही तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। चलिए देखते हैं आप वन बाय वन, पहले हिस्ट्री का सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी करंट अफेयर्स नहीं होता, ठीक है। करंट अफेयर्स हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा कोई भी, क्योंकि हिस्ट्री मतलब पास्ट है जो पहले हो चुका है। तो हिस्ट्री में आपसे ट्रेडिशनल हिस्ट्री पूछी जाती है, और क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट ले लिए गए हैं तो 1 से 3 क्वेश्चन की गुंजाइश हर सब्जेक्ट से रहती है, ठीक है। 1 से 3 की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो वो क्वेश्चन आपकी लिमिट में आ जाता है, आपकी पहुंच में आ जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हिस्ट्री है, कुछ स्पेशल डिजाइन करके क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो परंपरागत हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसी का ये पार्ट है। उसके बाद है एंशियंट हिस्ट्री, इसी के अंदर है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में आप, इसमें कोई पूछता है बच्चा कि भाई कहाँ से शुरू करें, तो आप हड़प्पा सभ्यता से शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद गुप्तोत्तर काल जो हर्षवर्धन का काल है, हर्षवर्धन तक इसको इसमें काउंट किया जाता है। और इसमें आपको ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना सब कुछ, ज़्यादा स्टोरी में ज़्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। आपको स्टेटिक जीएस यहाँ की आनी चाहिए। स्टेटिक जीएस मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये कहाँ पर मिला, वो कहाँ पर मिला, किसने इसकी खोज की, कब की, ऐसे स्टेटिक जीएस जो आपको आनी चाहिए। हर्षवर्धन काल तक जो है आपको ऐसी जीएस आनी चाहिए, आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मिडेवल हिस्ट्री देखें तो हर्षवर्धन के बाद से मध्यकाल शुरू हो जाता है, और फाइनली जो है ब्रिटिश के एडवेंट तक, मुगल काल तक जो है आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर क्या इतना डीप पढ़ने की जरूरत है, देखिए इसके अंदर आपको भक्ति काल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भक्ति काल से भी एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे ही जाते हैं, क्योंकि दिल्ली स्पेसिफिक पेपर है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी को जो है का एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बनने की हमेशा गुंजाइश बनी जाती है। तो मिडिवल हिस्ट्री पे आपको ये करना है। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको कोई भी राजवंश पढ़ रहे हैं उसका संस्थापक देखना है, हु इज द फाउंडर, ठीक है। एक होता है हु इज द रियल फाउंडर, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको देखना है कि आर्ट एंड कल्चर उसके अंदर कितना डेवलप हुआ, किसने क्या बनवाया, कौन से, इस पे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तैयार करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री बहुत ईजी रहती है हमेशा। तो हिस्ट्री में आप एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरी बार पढ़ लेंगे तो आपको टिप्स पे होने चीज़ें लग जाती हैं, और आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन होता है और उसके नीचे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे होते हैं। अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो आप इजीली उसको पहचान लेंगे, आपको उत्तर रिटर्न में नहीं लिखना। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में खासतौर से जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है वहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल कंटिन्यूस दिया जा रहा है। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म आपको करना है, ये इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, लेकिन जब ये पेपर में आपको दिखेगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं बनता है तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, तो आपको इंटरेस्ट बन जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नेशनल मोमेंट पे फोकस करना है। नेशनल मोमेंट से पहले एक जो 1857 की क्रांति हुई थी उस पर भी फोकस करना है, और इसी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में भी बहुत सारे रिफॉर्म आपने देखने हैं। वो आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय से शुरू होंगे और महात्मा गांधी और अम्बेडकर तक वो रिफॉर्म्स होंगे। तो वो सारे रिफॉर्म्स आपको तैयार करने हैं, और आपको ये हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो KVS का भी हो, DSSB का, तो मैं अभी एनालिसिस कर ही रहा हूँ उसके। ये हो गया है हमारा हिस्ट्री का एस्पेक्ट। इसमें कोई करंट अफेयर्स या करंट इवेंट कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, छोटा ही रहता है। पॉलिटी जो है बड़ी फेवरेट है, पॉलिटी का पोर्शन जो है वो फेवरेट रहता है DSSB के लिए। और देखिए इंडियन पॉलिटी के बेसिक चीज़ें जो है वो पूछता है आपसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो देखिएगा, पूछेगा आपसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन जो है वो आपको 1774 से शुरू कर देना है, और उसके बाद जो है 1782 और बाकी जो रिफॉर्म है 1784, और इसी तरीके से यहाँ से 1773 जो है वहाँ से शुरू करना है, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके, और फाइनली जो है आज के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है कब बनाया गया वहाँ तक जो है आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं, अब कॉम्प्रिहेंसिव भी पूछे जाने लगे हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये बहुत कॉमन हो गया, जो आपको स्पेशली इसके लिए तैयार करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको तैयार होगा। फिर
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं जैसे फंडामेंटल राइट है उसके आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, इसी तरीके से DPSP के भी आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जाते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो पार्ट फाइव जब आप पढ़ने लगेंगे तो पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट की पावर, उससे रिलेटेड आर्टिकल, ठीक है, वो सारे होने चाहिए, एमरजेंसी पावर, वीटो पावर, सब चीज़ें होनी चाहिए आपको पता। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पीकर, स्पीकर ऑफ द हाउस के बारे में, प्रो टेम स्पीकर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये इंस्टीट्यूशन आपको पता ही होनी चाहिए। और इसमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो आप ऑलरेडी KV में भी तैयार कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बात करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन जो है एक अल्टरनेटिवली पूछा ही जा रहा है, रेगुलर नहीं तो पूछा ही जा रहा है। उसके बाद इमरजेंसी के प्रोविजंस, जो तीन तरह की इमरजेंसी होती है उसके प्रोविजंस आपको आर्टिकल समेत होने चाहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन का रिफॉर्म कैसे किया जाए, 368 से रिलेटेड, 324 से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, आपको पता है प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना। गवर्नर का रोल स्टेट के अंदर क्या होता है, गवर्नर रूल कैसे लगता है। उसके बाद स्टेट विधानसभा और स्टेट विधान परिषद, उससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर रिसेंट में कोई अध्यादेश पारित हुआ है या कोई संविधान संशोधन हुआ है, जैसे आपने देखा ट्रिपल तलाक का भी हुआ था अभी, ठीक है, एक जो है CRR, जो है CAA कानून लेके आए थे, CRR नहीं, CAA वो कानून लेके आए थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नाम जिसका है, उससे रिलेटेड है, तो उन संविधान संशोधनों पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आपको और भी अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो तैयार करने चाहिए। गिनती के मुश्किल से 15 अमेंडमेंट होंगे, उनको आप याद रख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको वास्ट तो दिखता है लेकिन आता इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, ये ध्यान रखिए कि बहुत जो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं, आपको जो है जब अपनी जगह वो पढ़ लिया है तो आप इजिली उसको कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिटिक के अंदर इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जिनसे, इलेक्शन कमीशन तो हमने कर ही लिया, उसके बाद देखिए ह्यूमन राइट कमीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन बनता है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, यही इसके अंदर जो इसका जो अध्यक्ष होता है तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस वही बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, जुडिशरी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भी पूछ लिए जाते हैं, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, और आपने देखा कि अशोक मेहता पे भी एक क्वेश्चन आया और बलवंत राय मेहता पे भी एक क्वेश्चन आया, तो ये कुछ चीज़ें कॉमन सी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। स्टैटिक GS है, दो बार रिवाइज करेंगे झट से तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है। अब UNO देखिए 1945 में जो था वो अभी भी वैसा का वैसा है, इसके स्थायी सदस्य कौन है और स्थापना कहाँ पे हुई, कब हुई, और इसके अलावा जो है भारत इसका सदस्य है और इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में भारत कब बनाया, अगर बनाया तो ठीक है, UN में कोई भारत का आदमी किसी अच्छी पोस्ट पे तो सॉरी उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूनेस्को से आपने देखा है क्वेश्चन आए हैं, WTO गेट से क्वेश्चन आए हैं, तो ये भी आपको तैयार करने हैं। IMF से क्वेश्चन आने की संभावना है, आए भी हैं पीछे वर्ल्ड बैंक पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन ऐसे देखा था आपने, हेग में है। उसके बाद OPEC से क्वेश्चन आया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिक्स एक नया संगठन है और न्यू डेवलपमेंट बैंक, सबसे क्वेश्चन आपने देखे, और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन किसी के साथ कुछ समझौता हो गया है, वो सारी क्वेश्चन से जो है उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना थी। ये टॉपिक आपके भी टिप्स पे तैयार होने चाहिए, एक दो बार रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में देखे तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स पूछता है, ठीक है, GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है, ये भी देख लेगा। उसके बाद फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, भारत की इकोनॉमी किस टाइप की है, मिक्स टाइप की है, ठीक है, ये चीज़ें पूछ लेता है। उसके बाद 5-year plan, हमने जो 5-year plan सोवियत संघ से अडोप्ट किए थे, कब शुरू हुए, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्लान में क्या खास बात थी। और देखिए बैंकिंग के से तो रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम पे, तो RBI, फिर CRR, CSLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है RBI की, वो मॉनेटरी बेस क्या है बैंक का, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। करेंसी का फ्लो, ये लो नहीं फ्लो, करेंसी फ्लो कैसे होता है, रेगुलेट होता है करेंसी। और देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई, डिफ्लेशन उसका और स्टैग्नेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंसी से रिलेटेड एक्सचेंज रेट्स में नीर रीर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एप्रिसिएशन क्या होता है, डिवेल्युएशन होता है, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपको 9वीं से
10वीं की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। वहाँ से आप अच्छे से इसका बेसिक तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और फिर से पढ़ते रहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में शुरुआत की थी, 1992 में इम्प्लीमेंट की गई, वो एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी ज़्यादा आती है उनसे रिलेटेड कोई योजना चला दी है। जैसे आपने देखा था एमएसपी पे क्वेश्चन आया, तो एमएसपी हर साल दिया जाता है, चेंज किया जाता है, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए साइंस भी इसमें आती है। तो सबसे ज़्यादा देखिए डिजीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होता है, किससे हुआ है, डेफिशिएंसी डिजीज किसकी कमी से क्या हो जाता है, क्या कारण होता है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है, ये भी पूछ लेता है। जैसे ट्रैकोमा एक क्वेश्चन आया था, ट्रैकोमा जो बीमारी है वो किस पार्ट को अफेक्ट करती है। ऐसे टीबी भी पूछ लेता है, हेपेटाइटिस भी पूछ लेता है, ठीक है, जॉन्डिस भी पूछ लेता है, और बाकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो किस पार्ट को, बॉडी के पार्ट को ये अफेक्ट करता है, किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, क्या होता है, उसकी वजह से होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे एक ही जगह पे आपको किसी भी बुक में, जो स्ट्रेटेजीएस की बुक है, ठीक है, उसमें मिल जाएंगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा लुसेंट बुक जो आती है, लुसेंट जनरल नॉलेज जीके, ठीक है, स्पेशल एक सब्जेक्ट के लेने की जरूरत नहीं है, लुसेंट जीके या लुसेंट सामान्य ज्ञान नाम से एक पुस्तक है, वो आप हमेशा आपके पास, जैसे किसी के तीर कमान में एक ब्रह्मास्त्र होता है, उसी तरह से एक उसको होना चाहिए आपके पास। तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, अपना बेस अच्छा तैयार करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स का जो से है, जो हिस्सा है, वो 6 से 7 क्वेश्चन का होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है। अब देखिए साइंस में क्या पूछते हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई है, किसी वायरस की खोज हुई है, चेचक का टीका किसी ने बनाया, किसका टीका किसी ने बनाया, पोलियो वायरस है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ गई है, या कोई नई मेडिसिन किसी ने बना दी है, या कोई पुराना वो है पेंसिलिन का आविष्कार किसी ने किया, पुरानी स्टैटिक जीएस, उसके अलावा अगर रिसेंट में कोई इन्वेंशन हो गई है और उससे रिलेटेड नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके के जो है नोबेल अवार्ड्स जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए स्पेस प्रोग्राम इसरो पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें इसरो से क्वेश्चन पूछने का मतलब है इसकी स्थापना से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्या हुआ, और एक रिसेंट में, बीच का बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो पहला उपग्रह कौन सा था, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, इसरो की स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। उसके बाद अब रिसेंट में अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा है उसके बारे में डिटेल में पूछ लेते हैं, मंगलयान अगर आ गया है, मंगलयान 2 आ गया है, ठीक है। अब ये बार्क है, बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके सेंटर वगैरह पूछ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछते। और हमारे स्पेस प्रोग्राम जो रिसेंट में अगर कोई छोड़ा है तो उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इंडिया के अचीवमेंट देख रहे हैं, इंडिया के अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब देखिए करंट अफेयर्स में भी कुछ जो है साइंटिफिक अचीवमेंट अगर रिसेंट में भारत के किसी व्यक्ति ने ले ली है, या भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं, वही ये देखिए इन भारतीय मूल के व्यक्ति जो होते हैं ना, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो एक फेवरेट क्वेश्चन होता है हमेशा, चाहे किसी बुक को अवार्ड मिल गया हो, किसी को नोबल मिल गया हो, ठीक है, किसी को ऑस्कर मिल गया हो, तो इससे क्वेश्चन जो पूछता है तो आपको फोकस करना है कि भारतीय मूल के लोगों के बारे में आपको पता करना है। अब देखिए ज्योग्राफी में भी आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी में मैप, रिवर्स, लोकेशन, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एयर पोल्यूशन की समस्याएं हैं उससे पता होना चाहिए, अर्थ रिवोल्यूशन रोटेशन से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, खासतौर से मानसून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो मानसून से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, अगर ख़राब हो जाए तो वेजिटेशन इंडिया की कैसी है, इससे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा वेरिएशन के क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप जैसी ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पहले तैयार कर रखे उसमें मानसून ओवर ऐड कर लीजिए, बाकी तो आपने कर ही लिया है। अब बात करते हैं कि स्टेटिक जीएस के अंदर क्या पूछता है। देखिए वर्ल्ड का बिगेस्ट, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, तो ये आपको लुसेंट में बाद के पोर्शन में काफ़ी इजीली मिल जाएंगे, उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए टालेस्ट और शॉर्टेस्ट जो सबसे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड का पहला, इंडिया का पहला, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अब देखिए रिसेंट अपॉइंटमेंट अगर कोई हुई है तो रिसेंट अपॉइंटमेंट में जो है यूपीएससी में अध्यक्ष कौन बन गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बन गया, एनएचआरसी का चेयरमैन कौन बन गया, वुमेन कमीशन का चेयरमैन कौन बन गया, ये मैं आपको बिल्कुल सर्कुल कर रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यूपीएससी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एनएचआरसी, वुमेन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इसरो का अध्यक्ष कौन बन गया, कोई मिनिस्ट्री में कोई चेंज हो गया है, ठीक है, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक कॉमन बना दिया गया वो कौन है, नेवी का चीफ कौन है, मिलिट्री का, एयरफोर्स का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। उसके साथ साथ रिसेंट अपॉइंटमेंट अगर कोई भारत के लोग की हुई है, ठीक है, यूएनओ का अध्यक्ष कौन बना है, आईसीसी में अगर भारत का कोई व्यक्ति की अपॉइंटमेंट किसी पोस्ट पे हो गई है, आईएमएफ में कौन अध्यक्ष बना है, वर्ल्ड कप वर्ल्ड बैंक में कौन अध्यक्ष बना है, कहाँ है, वो डिटेल तो होगी, लेकिन मैं ये रिसेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो पढ़ना ही आपको वर्ल्ड बैंक, आरबीआई का अध्यक्ष, वो चेयरमैन कौन बन गया, गवर्नर, किसी एम्बेसी में भारत का कोई व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट हो गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए, अगर इसके अलावा उसमें एक और चीज़ ध्यान रखने की, रिसेंट में अगर भारत के किसी व्यक्ति ने बाहर विजिट की है या भारत में किसी ने विजिट की है, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछले 1 साल के अंदर कोई ऐसे विजिट करके गया है तो उसका पूछ लेते हुए कि, या तो पूछ लेते कि किसने विजिट की थी, या ये पूछ लेते हैं उसी देश का नाम लिख के कि उसके राष्ट्रपति कौन है जो विजिट करके गए हैं, उसके बाद ही नाम पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, केम्स इसके फेवरेट रहे हैं, डीएसएसबी के गेम्स जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, हालांकि डीएसएसबी नहीं, सभी एग्जाम में, एसएससी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आईसीसी अवार्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अवार्ड हैं, इसका कार्यालय कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, भारत का कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बन गया ये पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी गेम अवार्ड जो हैं जो इंडिया के अंदर दिए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं गेम्स में और क्या फोकस कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में क्योंकि क्रिकेट एक बड़ा गेम है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, करते हैं इसको, तो इससे रिलेटेड जैसे वर्ल्ड कप होता है, तो देखिए आपको तो क्या करना है कि वर्ल्ड कप तो साल में 4 साल में एक ही बार होता है, ठीक है, तो ये आपको रिसेंट का एक याद रखना है। और फिर उसके बाद अगर इंडिया की फर्स्ट अचीवमेंट कहीं पर वर्ल्ड कप में दिखती है, जैसे वर्ल्ड कप जीता फर्स्ट टाइम 1983 में कौन था कप्तान, ये पूछ लेता है, या इंडिया का जो है फर्स्ट कैप्टन कौन था, तो थोड़ा सा इसको आप जो है डिटेल में पढ़े तो आपको, मुझे लगता है गिन चुन के 3-4 नाम याद करने होते हैं कि आज़ादी के बाद पहला भारतीय कौन बना, पहला कौन था इसका कैप्टन, ठीक है, और अब रिसेंट में कौन है। तो ये देखिए आजकल आईपीएल की बहुत सारी टीम हो गई है, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्रिकेट में फिर आईसीसी अवार्ड जो दिए जाते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बॉलर ऑफ द ईयर, ऐसे करके दिए जाते हैं, वो भी साल में एक ही बार दिए जाते हैं, तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं, साल में एक बार तैयार कर लो। हॉकी वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, या हॉकी में भारत ने अगर कोई अचीवमेंट कर दिए तो हॉकी का कप्तान कौन है, महिला हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या इससे रिलेटेड कोई आसपास कोई ट्रॉफी हुई थी तो उससे पूछ लेंगे, ठीक है। ऐसा चेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इंडियन चेस प्लेयर काफ़ी नाम कमाते रहे हैं, विश्वनाथन आनंद से लेकर कोनेरू हम्पी तक जो है, तो ये जो है इससे क्वेश्चन बन ही जाता है, साल में कोई ना कोई एक खिलाड़ी निखर आता है। बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जब से जो है साइना नेहवाल और पीवी संधू, उन्होंने इतना अचीवमेंट करके दिखाया है, और भी खिलाड़ी अगर कोई जीतता है तो उससे पूछ लिया जाता है। टेनिस में लिएंडर पेस से जब से शुरू किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा टेनिस में जो 4 जो गेम होते हैं, जो वर्ल्ड में 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे विंबलडन होता है, चेन्नई ओपन भी अब उसमें शामिल कर लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है, तो इस तरीके से, और फ्रेंच ओपन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 ही हैं, साल में होगा भी एक ही बार, तो एक बार तैयार कर लीजिए, आपको बहुत टिप्स पे हो जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ी का नाम, अगर किसी खिलाड़ी ने रिसेंट में कोई अचीवमेंट हासिल की है, इंडिया के खिलाड़ी ने रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, या एशियन चैंपियनशिप में कोई मेडल जीत लिया है, तो उस खिलाड़ी का नाम दे के गेम का नाम पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी गेम में यूज होने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना उसको पूछ लेते हैं, जैसे गूगली वो किससे होता है, स्क्वेयर कट किससे होता है, अपर कट किससे होता है, ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आपको रेसलिंग, क्योंकि भारत में काफ़ी खिलाड़ी उभर रहे हैं इस क्षेत्र में, बॉक्सिंग में भी आपने देखा है बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उभर रहे हैं, ठीक है, और स्क्वैश में जैसे दीपिका पल्लिकल का नाम बहुत रहा, और पैरा एथलेटिक्स जो है वो काफ़ी मेडल जीत के लेके आ रहे हैं। तो और देखिए ओलंपिक से भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि 4 साल में एक ही बार होता है, और इंडिया के वालों की क्या अचीवमेंट है, पहला मेडल कब जीता था, पहला इंडिविजुअल कब जीता था, पहला रेसलिंग का कब जीता था, पहली महिला ने इंडिविजुअल कब जीता था, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो इसकी पूरी पूरी हिस्ट्री आपके टिप्स पे याद करनी, ठीक है।
इसके अलावा आपको जो है रिसेंट गेम्स की चैंपियनशिप को फिर फोकस करना है, वो तो मैंने बता ही दिया है आपको। और करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़ देखनी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो आपके लिए एक न्यूज़पेपर है, वो है दैनिक जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण में भी आपको जो लोकल वो है संस्करण वो नहीं लेना, राष्ट्रीय संस्करण लेना है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, एक दो शायद वो 5 रुपये का होता है लोकल और ये 8 रुपये का होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस है। तो ये वाला लेना है, इसमें ज़्यादा लोकल न्यूज़ ना आके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट की भी आती है और इंटरनेशनल रिलेशन पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। तो करंट अफेयर्स के न्यूज़ में आपको टच में रहना है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि द हिंदू बिजनेस लाइन, द हिंदू अखबार नहीं है, द हिंदू बिजनेस लाइन है। ठीक है, वो अखबार काफ़ी अच्छा है बिजनेस लाइन नाम से, तो ये अखबार जो है आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेमवर्क आप प्रीवियस ईयर जरूर देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि DSSB असल में पूछता क्या है। उसके अलावा जो है इंडिया के अंदर जो क्लासिकल डांसेज है उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिकल डांसेज, इसके अलावा फोक डांसेज जो है उनसे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करता है। उसके अलावा क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड भी पूछा जाता है, क्लासिकल म्यूजिक है उनको भी पढ़ लीजिए और क्लासिकल डांसेस, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ये डालते ही डालते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो मुझे लगता है पिछले 4-5 ईयर के अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिए तो ज़्यादातर पर्सनैलिटी आपको रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी चीज़ें कहीं मिलती है तो उसको नोट भी कर लीजिए, इससे आपको जो है और ज़्यादा फोकस होगा। तो आपको ये GS में पूरा, तो GS को आप जो है ना अगर पढ़ें तो इसमें श्योरिटी के साथ आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। लगता तो हमें कि बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें श्योरिटी के साथ आप जो है 18 नंबर अगर ले लेते हैं, मतलब आपने मैक्सिमम अचीव कर लिया है। क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हमने देखा है कि उसमें की गलत आ जाती है, क्वेश्चन डिजाइनिंग में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन 18 आपने मतलब 18 को आप 20 ही समझिए और आपका लक है अगर 20 के 20 ही ठीक हो जाए। लेकिन ये 18 आपको मेरिट में बहुत ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप तैयार नहीं करेंगे इसको अच्छे से तो आप 10 पे ही अटक जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आती है। तो आपको इस सेक्शन पे आप देखना कि गेम्स वाला जो पोर्शन मैंने बताया ना, इस पे स्पेशल फोकस देना, क्योंकि इस पे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्टैटिक GS आती है, इसरो का जैसे हमने बताया एक ट्रेडिशनल पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा, लेकिन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साइंस सारा कुछ ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन इसमें से फंसेगा वो आपको सोल्व भी हो जाएगा। क्योंकि अगर उस आपने पढ़ा है तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ट्रेडिशनल GS के पार्ट से इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आपने वो पढ़ा है तो आपका जरूर ठीक ही होगा, करंट में एक दो क्वेश्चन में आप उलझ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप 18 क्वेश्चन जो है वो इजिली कर पाएंगे थोड़ा सा अगर इसको इतना, लेकिन आपको टाइम डिवाइड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम डिवाइड रखना पड़ेगा आपको, टाइम टाइम पे फोकस, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी समझनी चाहिए कि आपको इक्वल टाइम डिवाइड देना चाहिए। अगर आप GS पढ़ रहे हैं, भले GS का एरिया वास्ट है, आप इसको 10% टाइम दीजिए अपने, मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप आधा घंटा GS पढ़िए। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में, हो सकता है कि आप इस पर 1 घंटा भी दे दें, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है। तो आपको मैंने एक बुक बताई है, ल्यूसेंट एक अच्छी बुक है। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर भी कीजिए, ल्यूसेंट से आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो है अगर नोट्स का सोर्स कोई और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसके आंसर गलत नहीं होते, इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड की थी। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जब भी आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो उसके बाद उसको रिवाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए कि क्या आप सोल्व कर पा रहे हैं, आपका फोकस सही बन रहा है। अगर नहीं सोल्व कर पा रहे तो दोबारा रिवाइज करके आप अपना फोकस और उन पॉइंट्स पर फोकस कीजिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को इक्वल वेटेज दीजिए। थ्योरी आपने पढ़ ली तो दिमाग भर जाता है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग खाली हो जाता है। तो आप इसके अंदर जो है ना एक रिकॉलिंग की हैबिट बन जाएगी, रिकॉलिंग करके आप इजीली जो है उस क्वेश्चन के बारे में जो है प्रैक्टिस, माइंड मेकिंग हो जाते हैं, माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है, आपको एग्जाम के अंदर वो हेल्प करेगा। क्वेश्चन सोल्विंग की एक टेंडेंसी आ जाती है, असल में वही दिखानी है आपको एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आप इस GS के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट में करें, तो इससे रिलेटेड और भी बातें, आपको कोई भी क्वेरी हो आपको जरूर उसका आंसर जो है किसी भी तरीके से एक वीडियो के माध्यम से या जवाब कमेंट के रूप में जरूर मिलेगा। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप जो है पूरे नंबर GS में लेके आएंगे।
तो इस पे इस तरीके से आपने टॉपिक्स जो है अपने सारे कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर के हिसाब से फ्रेम बनाइए, और आपको निश्चित रूप से जो है अच्छे नंबर मिलेंगे और आप सिलेक्शन की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, और कुछ और भी हम एक दो सब्जेक्ट के लिए मैं आपको वीडियो दूंगा, TGST SST के लिए, PGT हिस्ट्री के लिए भी आपको वीडियो दूंगा। तो फिलहाल जो है GS का पार्ट कंप्लीट हो गया है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।